नमस्कार इंग्राजी नववर्षर अभिनंदन सह अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मिचिन मई प्रथमे हेडलाइंस पुणे एसएस स्तर में अदल बदल कले राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव हेले आर विनिल कृष्णा केन्द्रापड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा हेले पुरी जिलापाल बलवंत सिंह हेले ओएमसी परिचालना निर्देशक पुरी रे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री चिठी प्रभु जगन्नाथ महाप्रभु नाँ खोल जाऊ विमान बंदर देश विदेश आसुवा पर्यटकों सुविधा पर दावी एयरपोर्ट पर समस्त सहयोग जोगाई दीजिए कहे मुख्यमंत्री कल वैक्सीन रो ड्राई रन राज्य में वैक्सीनेशन ड्राई रन नहीं सूचना देने डीएमईटी सीबीके महांती सेपटे ओडिशा रे नहीं ब्रिटेन स्ट्रेन स्वास्थ्य सचिव प्रदीप्त महापात्र सूचना फाइजर टीका को डब्ल्यूएचओ रो अनुमति जरूरी कालीन प्रयोग अनुमति प्रदान कला विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व में प्रथम कोरोना टीका भावे फाइजर को अनुमति देला डब्ल्यूएचओ दायित्व ने नुआ मुख्य शासन सचिव 1986 ब्याच्र आईएएस अफिसर सुरेश महापात्र दायित्व ग्रहण राज्यर सर्वांगीन सबुवर्गर विकास कार्य करने को देने प्रतिश्रुति ओबीसी संरक्षण नहीं ट्विटर वार मुख्यमंत्री को धर्मेन्द्र चिठी पर प्रतिक्रिया रखिले बीजेडी मुखपात्र सस्मित पात्र कहिले पारित हो प्रस्ताव खूब शीघ्र एवं कार्यकारी जवाब रखिले लेखाश्री कहिले गुप्त धन भली काहेकि लुचाई रखिछन्ति सरकार आजठू कड़ाकड़ी है ट्राफिक नियम बाइक रो पछरे सीट रे बसिले हेलमेट बाध्यतामूलक नियम उल्लंघन कले गणिबा को पड़िबो तंड कमिश्नरेट पुलिस पक्षरु प्रस्तुति नुआ वर्ष रे खां खां श्रीक्षेत्र कोविड कटकणा पाई दुई दिन बंद श्रीमंदिर हेले चली नीतिकांति आसंता तीन रु महाप्रभु को दर्शन रो सुजोग पाइबे पुरी रो बाहर लोक एथर संपूर्ण खबर आईएएस स्तर में अदल बदल कले राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वतंत्र सचिव हेले आर विनिल कृष्णा केन्द्रापड़ा जिलापाल समर्थ वर्मा हेले पुरी जिलापाल बलवंत सिंह हेले ओएमसी परिचालना निर्देशक पारुल पटवारी हेले पूर्त विभाग उपसचिव अमृत ऋतुराज हेले केन्द्रापड़ा जिलापाल जाजपुर पीडीडीआरडी हेले विशाल सिंह राजस्व विभाग अतिरिक्त सचिव हेले प्रमोद बेहरा सरोज कुमार मिश्र होती रायगढ़ जिलापाल पुरी रे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एहाकु महाप्रभु श्रीजगन्नाथ नाम खोल जाऊ बोली से दावी करिछन्ति एठारे एयरपोर्ट हेले देश विदेश पर्यटक उपकृत हो पारे पुरी एक प्रमुख पर्यटन स्थली होइतिबारु एयरपोर्ट हेले पर्यटन शिल्प वृद्धि पाइब तो पुरी रे एयरपोर्ट पर राज्य सरकार जमी चिन्हट कर सारी समस्त सहायता जोगाई देबे बोली प्रतिश्रुति देइछन्ति आसंता कालीठारु राज्य में कोरोना वैक्सीन रो ड्राई रन एने डीएमईटी सीबीके महांती सूचना देते कोरोना टीकार ड्राई रन पर संपूर्ण बंदोबस्त करपरी टीकाकरण पर 3,70,000 स्वास्थ्यकर्मी चिन्हट होती पूर्व 3,26,000 स्वास्थ्यकर्मी चिन्हट कर गोटे जिनस गोटे प्रोसेसटा आरंभ करा सुचारू रूपे परिचालन हो गए भैक्सीनटा जो बड़े हूँ मैन्युफैक्चर काम हो निर्माता गारी तार काम है मैन्युफैक्चरिंग करी सप्लाई करदेव सप्लाई पर आमको तार केमी मैंने संरक्षण करपर केमी सेफ ट्रांसपोर्टेसन कर भैक्सीन गुड़ाक कौन दरकार आप जानते कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट दरकार सुचारू रूपे परिचालन करपर भैक्सीन केन्द्र प्रथम जो मैंने नेबे बेनिफिशियरी से मानकु केमिति परिचालना करू सेटा केमिति सुचारू रूपे हम से केमिति सुविधा वैक्सीनेशन हो पार आमर जो मैन पावर अच्छा फॉर एग्जांपल आम रेकर्ड केमिति रेकर्ड कीपिंग हम क्या डाटा गुड़ाक देवाक पड़ो लोक वैक्सीनेशन इंजेक्शन वैक्सीनटा केमिति ने गुड़ाक सब गुड़ाक गोटे डम ड्राई रन मैंने टेस्ट कर जोटा कि मकड्रिल अन्न पक्ष शुणु ड्राए रन कथा कहते ड्राए रन आसंता कालीठ आरंभ हबार निश्चित आरंभ ताको ट्रेनिंग होटा गोटे आई टी रजिस्ट्रेशन कराए जदि आमर लिंकटा पलैस आज 11:00 12:00 सुधा
ତାହେଲେ କାଲି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଶାସନ ସଚିବ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଶଙ୍କ ଆଗରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣକୁ ସଫଳ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ଷ 2021 ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଓ ସବୁ ବର୍ଗର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କରାଯିବ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟର ୱାର୍। ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗତ ମାସରେ ସରକାର ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ, ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ସତ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁପ୍ତଧନ ଭଳି କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରନ୍ତିଣି। ସସ୍ମିତ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆବାହକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଋଣ ଦେଇ ଘର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। କେବଳ ଘର ଛଡ଼ାଇ ନେଲେନି, ମାଡ଼ ମାରି ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ବି ଦେଲେ। ଏମିତି ଋଣ ଟଙ୍କା ଶୁଝିବାକୁ ସମୟ ଦେଲେନି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁରରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ରାଜପୁରରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ଜୁଲମ ସହି ନପାରି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଅସହାୟ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍, ପ୍ରଶାସନ ବି ସାଜିଛି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ତେବେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେଠାରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ? ତେବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଶୀନଗର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୂତକୋଟି ପାଲଟିଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର 12 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଦ୍ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣୀଧନ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଲୋକେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କୃଷିକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢାକୁ ପାଳିବା ସହ ଜୀବିକା ଭାବେ ନେଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ 6 ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦର ମହକୁମା ଓ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବାରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ 2 ହିଁ ହଜାର ହଜାର ପଶୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ କି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏପରିକି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ରହୁନଥିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି କାଶୀନଗରରେ ବହୁତ ଫାର୍ମର୍ସ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରର ସେବା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କେ ଡକ୍ଟର ଯାକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଈମାନଙ୍କୁ କେବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ମର୍ସ, ତାଦ୍ୱାରା ସେବା ମିଳିନି ତାଙ୍କେ ଏଗେନ୍ କ'ଣଟା କଲ୍ କଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଘର ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଉନ ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଇଏ ଭିତରେ ସେ ଗାଈର କେଉଁଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ କେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଡିସିଜ୍ଟା ଅନ୍ୟ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ମାନେ ଚାଷୀମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ସେ ଫେସ୍ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଉନି, ମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଡାକ୍ତର ସମାନ ରହୁନି, ଏପିନ୍ ଯାକ ରହୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାର କିଣିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କେଉଁଟା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ପିନ୍ ଏକା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି। ସେପଟେ ବିରାଟ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ସାପଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସେପଟେ ରହିଥିବା ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ରହିଛି ତାହା ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ କି ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯୋଗାଯାଉଥିବା
प्राणी चिकित्सक अभिजित मिश्र कहते मैंने पाखापाखि प्राय तीन वर्ष होगा पिओन जेहतु एक्सपायर होगा नुआ पिओन भी कहीं पोस्टिंग ना आमर सार आसिले मैडम आसिले ना आगुरु मुझे एका ही थी प्लस मोर भी दुटा चार्ज अच्छी उपलड़ा भी इनचार्ज अच्छे बुझे ना तेणु दिने यहाँ खोला बेलू दिने सेपट खोलिया पड़ूगा मझे आम सार मस आस मैडम भी आम दुई मस आसु पिओन थे जहाँ कि फोर्थ क्लास थी जहाँकि डेवलपमेंट हम कि धर आप सफा सफी है ये तथा आम मैंने प्राइट आम जेसी भी लगे निज पर्सनाल इतना सब मैंने करूँ सब सफा सफी कि जेहेतु आप जो सब पड़ी एगुड़ाक फरेस्ट डिपार्टमेंट तर विदाउट परमिशन में आम एगुड़ा घुंचे पार्बुन तुम भी अलरेडी दुटा रिमाइंडर दिखाई कि सी भी किसी मानते देखिए मैंने आक्शन नहीं ना तबे देखिबा को बाकी रहिला ए प्राणी चिकित्सा केन्द्रर भित्तिभूमि विकास केबे होउछि ओ स्टाफ नियुक्ति संपूर्ण होउछि। गजपति जिल्लारु जितेन्द्र बारिकंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आज राज्य बीजेपी सभापति समीर महांति जाजपुर जिला बड़चणा निर्वाचन मंडली गस्त करिछन्ति। बड़चणा ब्लॉक अंतर्गत नेलिया छकठारे स्थानीय बीजेपी नेता तथा राज्य संपादक अमर नायक और बड़चणा बीजेपी परिवार पक्षरु राज्य सभापति को पुष्पगुच्छ दे स्वागत संबर्धना जणा जायतिला। परे एक मोटरसाइकिल शोभायात्रा रे सभापति को द्वितीय श्रीक्षेत्र भाव परिचित छतिया जगन्नाथ मंदिर अभिमुखे पाछोटी नेथिले। सेठारे मंदिर बंद कारण मंदिर बाहर बा मुख्य द्वार रे राज्य सभापति प्रभु जगन्नाथ को पाखरे मुंडिया मारथिले। मालिका वर्णित पवित्र छतिया बटरे प्रभु जगन्नाथ को पाखरे मोर प्रार्थना ओडिया लोकंकु सुख समृद्धि सहित मातृशक्ति को आशीष प्रदान करंतु। छात्र युवक कृषक श्रमिक वंचित वर्गर गरीब लोकंक पई ए वर्षटी सकारात्मक परिवर्तन हो एथिरे गांधी गोपबंधु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो विचार विकास शेष पहांच रे थिबा लोक मानंकर उन्नति पे समर्पित ए विचार देश एवं राज्य सरकार समर्पित हो ओडिशावासी ओडिया लोकंकर जीवन मान उन्नति हो समस्त प्रभु जगन्नाथ समस्त को मंगलमय करंतु। ए पवित्र माटीर संतान मान को सुख समृद्धि प्रदान करंतु। आजिका दिन रे ए पवित्र पीठ रे मो प्रार्थना करुछि प्रभु जगन्नाथ। मालकानगिरी जिले अभावन दृश्य रास्ता नथिबार गाँव में बुहा हो आसिले रोगी अधा रास्तार चलीगला प्राण। यह दृश्य देखा मिली मालकानगिरी जिला सदर ब्लॉक अंतर्गत मेन्द्रीखाल गाँव में। गाँव समरा कुंजम नामक युवक गत किछि दिन धरी असुस्थ थिबा बेले आज गुरुतर हो पड़ते तेज गांव को रास्ता नथिबार ग्रामवासी एक स्ट्रेचर में बोही मेडिकल नेबा बेले रास्तार ही मृत्यु होता। गाँटी मालकानगिरी सदर महकुमा ठारु प्राय 10 किलोमीटर थिबा बेले गाँव को रास्ता नाही। तीनोटी पहाड़ चढ़िले गाँव को जाई हेउथिबा बेले ग्रामवासी विभिन्न मौलिक सुविधा वंचित। पश्चिम ओडिशावासी खुशी खबर झारसुगुड़ा सह आकाशपथरे जोड़ी हेबो आउ दुईटी सहर मायानगरी मुंबई सह बेंगलुरु को झारसुगुड़ा विमानबंदर रु फ्लाइट आरंभ हेबो। आसंता जनवरी 12 तारीख रु झारसुगुड़ा वीर सुरेन्द्र साय विमानबंदर रु मुंबई और बेंगलुरु को विमान उड़ाण करिबो। एने झारसुगुड़ा विमानबंदर निर्देशक किशोर सेनापति सूचना देछन्ते। एबे झारसुगुड़ा विमानबंदर रु 5टी सहर को विमान उड़ाण करुछि। भुवनेश्वर रायपुर कोलकाता हैदराबाद और दिल्ली को झारसुगुड़ा रु विमान सेवा मिलुछि। नुआ वर्षरु मुंबई बेंगलुरु को झारसुगुड़ा विमान सेवा आरंभ हो जाथिबारु स्थानीय लोक खुशी व्यक्त करछन्ते। आउरी खुशी लागु कहिया पय जे आपनकर जो मुंबई आ बेंगलुरु पय बहु प्रतीक्षित फ्लाइट अपेक्षा थिला सेटा 12 जनवरी आरंभ होछे। सप्ताह रो 4 दिन 2 4 6 7 ए 4 दिन रे
चलिब स्पाइस जेट एटा हाँ बोइंग चलिब मोर जति मन हाँ बोइंग पुरी सहर को स्वच्छ रखा निम्ते पौर संस्था पक्ष अभियान जारी रही आज इंग्राजी नववर्ष को भिन्न ढंग से पालन करने बड़दाण्ड सेवार आयोजन बड़दाण्डर छटी स्थान अर्थात श्रीजगन्नाथ मंदिर कार्यालय मरीचिकोट मार्केट छक डाक्तरखाना छक बड़शंख गुंडीचा मंदिर निकट में सका छटू सफे प्रथम श्रीमंदिर कार्यालय अभियान आरंभ होता अवसर में सफे सचेतनता रथ बड़दाण्डर यह छटी स्थान में बुलवास स्वच्छता बार्ता बंटन कर यह अवसर में सब स्थान में समवेत प्रार्थना सह बड़दाण्डर उभय पार्श्वर थिबा बासिंदा दोकानी उठा दोकानी होटेल व्यवसायी प्रमुख स्वच्छ सवारी रे आवर्जना पकाइबा सह बड़दाण्ड को सफा रखा निमंते शपथ नेइछन्ते परे परे सफेई कर्मचारी को संबर्धित करा जैथिला क्रीडा मंत्री तुषार कांति बेहरा जिलापाल बलवंत सिंह उन्नयन कमिशनर प्रदीप जेना पौर संस्था निर्वाही अधिकारी विजय कुमार दास समेत वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रही जनसाधारण सफेई कर्मचारी उत्साहित करते विदाय ने 2020 आसला नुआ वर्ष 2021 कोविड पाई न्यूयर फिका पड़ी खाँ खाँ पड़ी फूल और चॉकलेट दुकान पूर्व वर्ष भली ना बेपार कि दुकान में ना लोकों भिड़ कोरोना कटकणा जो एथर सेलिब्रेशन ना घरे रही लोके नुआ वर्ष पालन करते तबे कोविड महामारी महासंकट भितर वर्ष 2020 समस्त कठिन रही कोविड महामारी समग्र विश्व में लोकों स्वास्थ्य अर्थनीति और जीवन जीविका उपर गुरुतर प्रभाव पकाइथिला एभली स्थिति रे नुआ वर्ष 2021 अनेक आशा और विश्वास नहीं आसी कोविड टीका कोरोनार सफल मुकाबला करिबो एवं लोकंक जीवन पई स्वाभाविक हेबो बोली उज्जवल संभावना देखा दैछि भारत समेत समग्र विश्व नुआ वर्ष 2020 को भिन्न भिन्न मार्ग में स्वागत करिछि कटकणा भितर गतकाली संध्या 6टा रुही नुआ वर्ष को स्वागत कार्यक्रम आरंभ हो जाइथिला नुआ वर्ष को स्वागत करबा पई विभिन्न होटल रेस्टोरेंट रु आरंभ करी साही गली एवं रास्ता रे दिनरो प्रस्तुति देखबा को मिलि दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता समेत विभिन्न बड़ बड़ सहर गुड़िक एथर डिजिटल कार्यक्रम द्वारा नुआ वर्ष को स्वागत करा जाइछि देशवासी को नुआ वर्षर शुभेच्छा जणाइले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूतन वर्ष समस्त जीवन में सुख समृद्धि भरीदेव बोली राष्ट्रपति ट्वीट जगे कहते सेपटे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर नववर्षर शुभकामना जणाइछन्ते सेपटे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यवासी को नुआ वर्षर शुभेच्छा जणाइछन्ते एहासह नूतन वर्ष समस्त जीवन में सुख समृद्धि आनीदेव बोली से महाप्रभु निकट में प्रार्थना करिछन्ते सेपरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर समस्त नुआ वर्षर शुभेच्छा जणाइछन्ते दुई को विदाय दे आज सारा विश्व 2021 को स्वागत करिछि नुआ आशा और नुआ संभावना सह आसी नूतन वर्ष एही अवसर में भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति समीर महांती एवं बीजेपी नेता प्रदीप्त नायक बाबा लिंगराज को दर्शन करने सह मंदिर में दीपदान करिछन्ती एवं समाज रो शोषण अत्याचार दूर हेउ बोली कहिछन्ती समीर महांती इंग्राजी नववर्ष रे महाप्रभु लिंगराज दर्शन करी मु आनंदित ए वर्ष ओडिशावासी सुख शांति समृद्धि वर्ष हो देवदेव महादेव नारी शक्तिर प्रतिम स्वरूप महादेवंकर पार्वती एवं शिव शक्ति ये एक एवं अभिन्न ए दृष्टि प्रभु लिंगराज राज्यवासी उन्नति करतु विशेषकर मातृशक्तिर उन्नति हो मातृशक्ति सुरक्षित रुंतु एवं नारी निर्यातना राज्य में बंद हो पिला चोरी बंद हो ये कामना प्रभु लिंगराज कर जय लिंगराज 2020 समस्त कठिन समय थिला धीरे धीरे आम प्रभु लिंगराज पाद 2021 पदार्पण करशा कर लिंगराज देव आम समस्त मंगल करेंगे दुखर समय को काटे और सुखर समय प्रदान करेंगे ओडिशा प्रदेश समस्त जनसाधारण चलापथर भगवान महादेव सहायक हूँ दुखर समय कटु एवं 2021
समस्त मंगलमय हो चलापथरे पुष्प पुष्प कुसुमित हो इतिक मोर समस्त शुभकामना। कोरोना महामारी महातांडव भितर घटना बहुत थिला वर्ष 2020 लॉकडाउन सटडाउन कटकणा 144 धाराठ आरंभ कर राज्य सारा जारी होता कर्फ्यू कोरोना काल को सामना करने जीवन जीविकार लड़े लड़ी राज्यवासी अपराध हो कि अर्थनीति राजनीति हो दुर्नीति वर्ष आरंभ शेष जाए टीवी संवादपत्र और इंटरनेट मध्यम आपण मैंने देखते अनेक खबर हेले खबर गहली भितर हजि जा किसी प्रमुख घटना को आपण सामना को आनीला अर्गस न्यूज। ट्वेंटी ट्वेंटी को विदाय देवा आगर आसतु पुणी नजर पकाइबा सही खबर गुड़िक उपरे मास्क और पीपी किट दुर्नीति छंदी होते राज्य सरकार मार्च रु आरंभ होता मारात्मक महामारी महामारी सामना को आसीला महादुर्नीति मास्क पीपी किट सानिटाइजर और भेन्टिलेटर किणारे होता कोटि कोटि टंकार केलेंगारी घटन सरकारी अधिकारी सीधा संप्रति अभियोग आसीला विवादीय बाबू हेमंत शर्मा और जामिनी षडंगी बारंबार लोकायुक्त पाखरे हाजर होते पूरा मामलें विरोधी संढुआसी आक्रमण में घाइला होते राज्य सरकार मलकानगिरी किलर कलेक्टर मलकानगिरी जिलापा ना रुजू होता हत्या मामला व्यक्तिगत सहायक देवनारायण पंडा मृत्यु प्राय वर्षक पर पुणी सामना को आसीला मामला कोर्ट को निर्देश पर पुलिस मलकानगिरी जिलापा मनीष अग्रवाल ना हत्या मामला रुजु करवर्त समय बदली बदय जिलापा मनीष अग्रवाल रिलेसन रखिले हेबो सिलेक्शन रिलेसन रखी सिलेक्शन करार नुआ थियोरी सृष्टि शेषे फसी बिजेडी नेता तथा कलाहांडी जिला सालेपाली पंचायत सरपंच रमेश चंद्र साहू जड़े युवती शारीरिक संपर्क रखिले विजु पक्काघर करदेवार कथा कही विवाद को आसी सरपंच महाशय आने अर्गस खबर प्रसारण पर शेषे गिरफ होते सरपंच बाबू आठगड़े समवाय दुर्नीति निज निर्वाचन मंडल में होता कोटि कोटि टंकार समवाय ठकई अभियोग पर अठाकाटे पड़ते आठगड़ विधायक तथा मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाईं ऋण देवा ना चाषी आकाउंट्रु ठकी निया शह शह कोटि टंका चाषी जानुन आकाउंट्रु उभान हो जाता टंका चाषी अभियोग मंत्री जानतर हो हरिलुट राजा भाई भी लोक लुटी अभियोग मामू भणजा घाई जाजपुर जिला बुधलिंग रंभापुर रास्त सृष्टि होता मनुष्यकृत घाई को नहीं सृष्टि होता बिवाद ठिकादारी काम लोभरे बंध को डिनामाइट लगे उड़ाई किसी दुर्वृत्त आउे सीधा संप्रति नहीं बद को आसते खोद धर्मशाला विधायक प्रणव बलवंत राय और जेई मामू नरेन ओरफ बादल जेना दिव्यांग पेटर लात मारे टिटलागड़ उपजिला बलांगीर कंटा बांझे जन दिव्यांग दुकान भांगी पेटर लात मारी प्रशासन गत 30 वर्ष धरी कंटा बांझीर एक जगार दुकान कर रही आसुले रूपल कौ हठात 14 अगस्त में टिटलागड़ उपजिला निर्देश में कंटा बांझी तहसिलदार आर आई रूपल दुकान को बुलडोजर लग भांगी रूपल हाइकोर्ट को स्टे ऑर्डर कॉपी दिखाई शुणी नथिले उपजिलापाल सोमेश उपाध्याय उल्टा जेसीबी आग को आसिले चढ़ाई मारिदे धमक देते उपजिलापाल किरोसिनी केलेंगारी कोरोना मुकाबला बेले सामना को आसीला पीडीएस महाघोटालार असल चित्र केउठी सामग्री ओजन कमा जाइथिला तो आउ केउठी रहिथिला चढ़ा दर महामारी सुजोग रे खाइगले चाउल डाली आउ सोसी नेले किरोसिनी संबलपुर आरंभ कर पूरी ब्रह्मगिरी और कटक जिला निश्चित कोईल जाए सबुठी 15 टंकार किरोसिन को 40 टंकार बिक्री होतिबार खबर अर्गस प्रसारण होतिला एपरिकी किरोसिनी महाघोटालार खबर अर्गस पदा को आणिबा परे डीलर खाउटी को टंका सह किरोसिन मध्य फेराइथिले आवास कळी अजोग्य को पक्का घर दे योग्य को हताधर करबा नै हरर घणारे पड़िथिले सरकार राज्यर कोण अनुकोण एमती फुला फुला उदाहरण सामना को आनीला अर्गस पर मुहांमुही होते शासक और विरोधी वर्ष शेष बेलू श्रेय नेबार मुहरे सबू पक्का घरे विजु पक्का घर पोस्टर मारी पुणी बिवाद को आसीथिले सरकार तबे पोस्टर पोड़ी परे नईथिले राज्य सरकार। भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।
ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ ହେଲମେଟ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ନଥାଏ ତେବେ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି କମିଟିଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଏବଂ ପଛରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହାର କମିବ। ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ହେଲମେଟ୍ ନପିନ୍ଧି ମଦ ପିଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି। ଏହାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଏହି ନିୟମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟର ୱାର୍, ବ୍ୟାନର ଚିରିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ବ୍ୟାନର ଚିରା ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖି ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 45 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାନର ଚିରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା। ସମସ୍ତ ଅଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।